भगवान शिव ने बताया कि पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती है और कहती है, हे परम परमेश्वर, देवों के देव प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थी, तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देख ली कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने को जाती हैं। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं, कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य हैं और सत्य ही शिव है, शिव ही आदि और अनंत है, कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। ये कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण या प्रसार करता है उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रसार भी करूंगी, कृपा करें और इस कथा को कहे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह 28वां द्वापर युग की घटना है। यदु कोई श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है, वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञान प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे, मेधावी नामक राजा। उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्य केतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मायावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली अति सुंदर गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। मायावती को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेम और स्नेह पूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लगजा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर भी फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है।
एक छोटी बालिका की तरह वो उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूल खेलकूद में मन से मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय कुबेर का सेवक गोगल नाम का एक दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोगल के पास दैवीय शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, ये तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है, किसी भी पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। आ, ये पतिव्रता नारी पराए पुरुष के लिए दुर्लभ है, और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया, और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया, और गोबल ने महाराज उग्रसेन का माया मयूराम वही उपान, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का भेष और वही अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा, और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छेद दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल्ले और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी मायावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक ये गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वो राजा के भेष में नीच दानव गोभिल ही था। मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वो इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा है, प्रिय आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है। आत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभालकर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वो क्रोध में भरकर नीच दानव गोबेल से बोली, ऊ नीच, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दय है। ये कहते कहते आत्मग्लानी के कारण उसकी आंखें भर आई। वो श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्मम शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पाति वृत्य का नाश कर डाला है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोभिल ने कहा है, पतिव्रता नारी भगवान श्री विष्णु तथा पुत्र ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोबल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो ये बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वो पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग ना करे। जो पति को छोड़कर जाती और दूसरे दूसरे कामों में मन लगाती
है वो संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है, जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती हो तथा श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य कुलता कहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोगल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आए हो तुम? इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुँह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ, कर्म से तो तुम्हें पातिवृत्य का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देखकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है, अब कभी तुमसे ऐसी दृष्ट नहीं हो सकती। बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आए हो? ये श्रृंगार, यह आभूषण तथा ये सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए ये सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पातिवृत्य? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी, स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो, कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाग? दुष्टा, कहीं की तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या मुझे ही अपने बता पर घृणा होती है? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बलवीर्य और पराक्रम दिखा। तब मायावती बोली, वो नीच असुर, सुन, पिता नैस ने वश मुझे पति के घर से बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है? मैं काम लोभ मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोविल ने कहा, मायावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता, तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उस समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों के धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोबल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोबल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई, उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोबल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुँचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर वो दानव वहां से चला गया। गोविल एक ज्ञानी दावन तो था, किंतु वो बड़ा ही दुराचारी और पापमा था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? मायावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने छल ले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सहेलियां उसे पिता के घर में ले गई। उस समय वो शोक से कतराती हुई थर थर कांप रही थी। सखियों ने मायावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन मायावती को आए देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आए। हे मायावती, तुम अपने गुण शल भक्ति सत्य और पातिवृत्य आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुँचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए वे उस गर्भ के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वो गर्भ बढ़ता ही गया, तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वो वही अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोक के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती के कहती है, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संघटित होने वाली है, यह मैंने भी सुन रखा है। हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वो समस्त पुराणों का निश्चित
मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। आत पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवरी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। सभी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या जवानी हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखी और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है ससुराल में रहकर। यदि वो पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वो सदा पुत्र पत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य बन जाए तो पराए लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराए पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए उसके पहले की विवाह करना होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने भरा चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गह और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक मायके रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उनके पति का चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके साथ प्रश्नों के उत्तर दिया है। तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई हूँ जो मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्न को दूर किया है।